अगर आपके मोबाइल के अंदर कैश का ऑप्शन है तो आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे आप कैश का जो ऑप्शन है उसको चालू करते तो आपका जो मोबाइल है वो टीवी से कनेक्ट नहीं होता है। आपको इस प्रकार का जो मैसेज है वो मिलता है जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो टीवी से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको इस समस्या का समाधान देने वाला हूँ, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास कोई अलग और मोबाइल है उसके अंदर आपको इंटरनेट को चालू करके सबसे पहले यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है उसको चालू कर लेना है। तो चलिए, मेरे पास एक अलग से मोबाइल है जिसके अंदर से मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट चालू कर लेता हूँ और साथ में इसके जो पासवर्ड है उसको भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसी नेटवर्क को हम अपने टीवी से कनेक्ट करने वाले हैं। साथ में मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं अपने टीवी के अंदर देखना चाहता हूँ, उसको भी कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले टीवी का रिमोट लेता हूँ और यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है। चाहे आपके अंदर कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें वाईफाई के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने जिस हॉटस्पॉट को चालू किया था उसको यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो वाईफाई आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो पासवर्ड हमने देखे थे वो पासवर्ड यहाँ पे लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद ये जो एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके मैं अपना जो मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो टीवी से कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद उसी हॉटस्पॉट को आप जिस भी मोबाइल को टीवी के अंदर देखना चाहते हैं उसको भी इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने टीवी को तो उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है। मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं अपने टीवी के अंदर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसी वाईफाई को उसी हॉटस्पॉट को इस मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जिस भी मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करना है उसका जो प्ले स्टोर है इसके अंदर जाके यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ये जब प्रोसेस पूरी हो जाए तो ऊपर आपको सर्च का जो ऑप्शन है वो मिलता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है वायरलेस डिस्प्ले और इसके बाद यहाँ पे ये मिल जाता है। तो इसको यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है लिविंग रूम टीवी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो आपकी जो टीवी है उसके अंदर आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। फिर यहाँ पे आप अपने मोबाइल की जो भी मूवी है, वीडियो है, फोटो उसको देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो मोबाइल है वो कास्ट के द्वारा आपका जो टीवी है उससे कनेक्ट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।